हेलो गाइस, जय माता दी और दुर्गा अष्टमी की पूरी यूडो फैमिली को ढेर सारी बधाइयां। माता रानी आप सबको खुश रखें और आप सबके घर खुशहाली आए, सबके घर पधारे माता रानी। तो आज है दुर्गा अष्टमी, तो किस किस के यहाँ दुर्गा अष्टमी होती है या फिर नवमी होती है मुझे जरूर बताना। तो गाइस आज मैं मतलब क्या पूरा तो नहीं शूट कर पाऊंगी क्योंकि बहुत काम है और बहुत ज्यादा काम हो जाता है जब कन्या खिलानी रहती है। तो जितना भी कर पाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और कन्या पूजन कैसे है, मतलब मैं तो बहुत सिंपल तरीके से ही करती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ मैं करती हूँ हर साल। तो गाइस प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और आगे देखने को मिलेगा कि कैसे मैंने आप कन्या पूजन करा, क्या क्या करी थी मैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना जो भी न्यू लोग है, और प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो मिलती हूँ मैं भी मतलब थोड़ी देर में, जो भी काम करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मिलूंगी थोड़ी देर में। जब तक मैं थोड़ा कुछ कर लेती हूँ काम, तो जब तक के लिए देखते हैं। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुकी थी किचन में और मैंने पूरा बनाने का मतलब शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, सुबह में काफ़ी काम भी था। तो मैंने काले चने की सब्जी, हलवा, पूड़ी यही सब बनाया था। तो मैं जा रही थी पहले पूजा करने, उसके बाद मैं कन्या खिलाऊंगी। तो खाना बनाने के बाद ही पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि ना हलवा पूड़ी चढ़ाना भी रहता है, इसीलिए फिर मैंने सोचा पहले बना के रख देती हूँ उसके बाद करूँगी। और मेरे यहाँ थोड़ी जगह कम थी, इस बार मैंने नीचे नहीं लगाया तो वही हो रहा था, मतलब थोड़े जगह की दिक्कत। तो मैं पूजा वूजा करके, और डिटेल में तो नहीं दिखाई पूजा, उसके बाद मैं हलवा पूड़ी चढ़ाने के बाद कन्या खिलाऊंगी। अब तो मनी गई है कन्या लेने और ये मैं नारियल उठा लेती हूँ, घर में जो भी रहेंगे मतलब पापा जी हैं इस समय घर पर तो वही तोड़ देंगे इसको, हर्ष तोड़ेगा तो बहुत टाइम लगा देगा। और पूजा करने के बाद कुछ पूड़ी और सेक के रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं बच्चों को खाना, कन्याओं को खाना खिलाने में लग जाऊंगी तो फिर पूड़ी सेकने वाला कोई और नहीं है, मनी अभी इतना सेक कर नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी पूड़ी और बना कर रख दी थी। और मनी कन्या लेके आ गई थी तो मैं पैर धो रही थी उनके, और पैर धोने के बाद पोंछ पोंछ के पैरों को बिठा रही थी उनको, तो हैंड टू हैंड पोंछती जा रही थी। मैंने एक अपना दुपट्टा ले रखा था उससे पोंछ रही थी। तो सभी कन्या आ गई थी और कन्या हो गई थी पूरी, क्योंकि जितना मतलब 7 कन्या 2 लांगुर हो गए थे, तो हो गए थे मतलब पूरे, मैंने उतनों को ही कन्या पूजन कर दिया था। तो ये बस मैं एक एक करके इनके सब पे पैर धो दूंगी, और मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे ज़्यादा उतना आता नहीं है, तो मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है मैं उसी हिसाब से कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने सबको बिठा दिया, तो एक मेरी दुरानी की लड़की कम मतलब कहीं चली गई थी, तो उसका भी मैं वेट कर रही थी और देख रही थी कितनी देर में आएगी। और ये जो छुटकी है ये भाग रही है, बार बार बैठ ही नहीं रही है, तो जैसे ही वो आ जाती है किसी के घर पे, उसके बाद मैं इनको खिलाना शुरू कर दूंगी। तो मैं सबको पत्तल दे रही थी और पंखा चल रहा था, बच्चे बंद नहीं करने दे रहे थे और पत्तल उड़ रही थी सबकी, तो मैं कह रही पकड़ पकड़ के बैठ जाओ नहीं तो सब उड़ जाएंगी। और खाते तो है नहीं है, खाली बस नाम ही करना रहता है इन लोगों को, जितनी भी कन्या रहती हैं, क्योंकि बहुत घर में जाना होता है इनको, तो बेचारे वो कब तक खाएं सबका। तो एक एक टुकड़ा मैंने तोड़ तोड़ के बड़ी मुश्किल से खिलाऊंगी इन्हें, देखती हूँ कितना खाते हैं। तो मनी पूड़ी दे रही थी इनको सबको, जितनी भी कन्या या लांगुर जो भी हैं सबको पूड़ी दे देगी, हलवा दे देगी। मैं भी और करा रही थी और पीछे से पापा जी आ गए थे, तो मैं घूंघट करके खड़ी हो गई थी और मुझे पता नहीं था वो अचानक से आ गए थे। अब वो जा चुके हैं तो मैं आराम से पहले खिला देती हूँ। और मैं दे रही थी सबको चने की सब्जी, और आज मैंने छोले नहीं बनाए क्योंकि कोई खाता नहीं है, उतना ज़्यादा खाना हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आज छोले नहीं बनाए, केवल काले चने की सब्जी और काले चने ही बॉईल करके फ्राई करे थे, और आलू गोभी की सब्जी थी, हलवा था, नारियल यही सब था। तो वैसे तो कन्या पूजन में इतना ही बनता है, चाहे तो मतलब एक्स्ट्रा में तो कुछ भी बना सकते हो। तो मैं इनको कह रही हूँ खा लो, लेकिन ये खा ही नहीं रहे हैं, और बहुत मुश्किल से एक एक टुकड़ा मैं इनको खिलाऊंगी जैसे तैसे करके, देखती हूँ कितना खाते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है इन लोग इनसे ज़्यादा कि ये खाएं। देखो हाथ से मना कर रहे हैं ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और उसके बाद बस इनको थोड़ा थोड़ा मतलब एक भोग लगा दूंगी थोड़ा सा, इनका नाम हो जाएगा कि हाँ कन्या खिलाई।
और इनको रोली और उसका मतलब चावल से तिलक कर रही थी, मणि कलावा बांध रही थी। उसके बाद मैं कर दूंगी इनकी विदाई। और मुझे जाना था मंदिर, तो मैं कन्या पूजन के बाद मंदिर गई थी, तो बहुत तेज़ धूप हो गई और अभी 9 ही बजा है, 9 का ही टाइम हो रहा होगा पक्का, क्योंकि मैं देखी तो नहीं, और मंदिर में और भी लोग थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, बस यहाँ तक ही था। तो बाय बाय।